Okay. So material properties that we are going to use is FC prime 3000 psi, Fy will be 40 ksi, and sizes have already been given to us. Slab thickness will be 7 inches, columns will be 14 inches by 14 inches, and beams will be 14 inches by 20 inches. Okay. There is no super dead load, only the cell weight of the structure will be used. Okay. And for live load, we are given 144 PSF. Okay. So these are the grids from where we'll be starting our modeling. There are different phases. Mainly, it has been categorized in three phases. The first phase is modeling phase, and the second phase is analysis, and the third phase is design. So we'll be starting from modeling. There are four spans at 25 feet along the X direction and three spans at the rate of 20 feet in Y direction. And if you guys notice that all of these spans are center to center from column. Okay. So one thing, keep it in your mind that whenever we are going to model any building in the CSIE tabs, you guys will have to find out the grid spacing from center to center of the frame system. Okay. So let's start. This is the interface of the ETABS. First of all, you guys will have to go to File, New Model, then No. Okay, let's start from here. First of all, change the units from inches to feet. First, you will have to define the grids in the plan. First one is number of lines in X direction, then number of lines in Y direction. So come over here. Number of lines in X direction will be those lines which will be perpendicular to X direction. So those will be these lines which are perpendicular to X direction. Okay. And the span will be 25 feet in X direction. So these are 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 lines in X direction and 1, 2, 3, and 4 in Y direction. So we'll put 5. 4. Spacing in X direction is 25 feet. Spacing in Y direction is 20 feet. Okay. Next, number of stories. Again, come back over here. If you guys know that 1, 2, 3, there are three stories. So we'll apply these three stories. एक चीज और बाद में आएगी, वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। बेसिकली होनी इसमें चार चाहिए, ठीक है? अभी से चार कर लो, बताऊंगा वो कैसे होने चाहिए। टिपिकल स्टोरी हाइट आपके पास जो है वो इसमें कितनी है, आप लोगों ने रिकॉर्ड हो लेनी है? रही है? ठीक जी जी रिकॉर्ड हो रही है, है सर, थैंक ठीक है? यू सर। ओके। मैं इसकी जो स्टोरी हाइट ले रहा हूँ जो है वो नॉर्मली मैं ले रहा हूँ जो है वो 10 फीट। सर हमारे ओके, पास तो हमारा रिकॉर्ड होती क्या है, तो हो? रिकॉर्ड का ऊपर एक आइकन लिख बना आता रिकॉर्ड अगर हो रही है। सर दूसरे मैंने जो है सॉफ्टवेयर पे मैंने मैंने सॉफ्टवेयर पे जो है वो लगाई हुई है अभी। हाँ ठीक है फिर ठीक ठीक। ठीक ओके, तो मैं 4 स्टोरीज ले रहा हूँ। टिपिकल स्टोरी हाइट में जो है वो 10 फीट ले रहा हूँ। बॉटम स्टोरी हाइट भी जो है वो मैं 10 फीट ले रहा हूँ। बॉटम स्टोरी हाइट में 5 फिट ले रहा हूँ, ठीक है? वो बताता हूँ क्या होती है। ये करने के बाद आप लोगों ने किस पे जाना है, ग्रिड ओनली, और ग्रिड ओनली पे करके आप लोगों ने इसे ओके कर देना। ओके, सो दिस विल बी योर ग्रिड्स। अगर लेटर ऑन मुझे कोई ग्रिड जो है वो चेंज करना पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी जो है वो अभी आप यही चीज समझें कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? आप अभी एडिट पे जाएं, एडिट स्टोरी डाटा पे जाएं, एडिट स्टोरी पे जाएं, और जाके इधर अगर आप कोई जो है वो स्टोरी हाइट चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप इधर चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इधर जो है वो ये शो कर देता हूँ आप लोगों को कि ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल, या सिंपल इसे जो है वो मैं पी लेवल लिख देता, पी लेवल। उसके ऊपर फिर जो है मैं ये जाऊंगा, मेरे पास
फर्स्ट फ्लोर आएगा, उसके बाद ये मेरे पास सेकंड फ्लोर आएगा, उसके बाद ये मेरे पास रूफ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। क्लिक ऑन ओके, इस पे आ जाएं, एलिवेशन चेक कर लें, कोई एक एलिवेशन ओपन कर लें। अब ये साइड पे आप लोगों को जो है वो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें ये बेस है आपकी, ये फुटिंग का टॉप लेवल है, ये प्लिंथ लेवल आपका ग्राउंड लेवल है, जिससे जहाँ पे ये आपके ग्राउंड का फ्लोर फिनिश होना है, और इस फ्लोर से आप लोगों ने 5 फीट नीचे अपनी फुटिंग्स रखी हैं, ठीक है, जैसे एक्चुअल होता है। ये आपका पहला जो है वो एक स्टोरी, ये आपकी दूसरी स्टोरी, ये आपकी तीसरी स्टोरी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और रूफ। छतों को मैंने इस तरह से नाम दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब ये हो जाए अब हमने डिफाइन पे जाना है। गो टू डिफाइन, मटेरियल प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद हो तो हमारे पास मटेरियल कौन सा है, एफ सी प्राइम 3KSI है, ठीक है। तो हम 3KSI करेंगे यूज, किसके लिए हम 3KSI करेंगे, ये हम करेंगे जो है वो बीम्स के लिए और स्लैब्स के लिए, और जो कॉलम्स हैं उसके लिए हम 4KSI करेंगे, ठीक है। स्टील हम अभी के लिए 40KSI कर लेते हैं, और जो कॉलम है उसके लिए हम 60KSI करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें कवर कर लोगे। जो बाय डिफॉल्ट ईटैब में कंक्रीट होती है वो 4000 PSI होती है, आप इसको मॉडिफाई शो करें तो इसमें आप देखें ये एफ सी प्राइम कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4KSI। यूनिट चेक करें कि पिंच है, तो ये 4KSI है। और दो चीजें आप लोगों ने इस टैब में बदलनी होती हैं कंक्रीट के हवाले से, एक ये चेक करना है एफ सी प्राइम, और दूसरा आपने इसका जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेक करना होता है। तो ये अभी 4 है, ये 36 है, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कंक्रीट 4000 रख ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। और जब आप लोगों को जो है ये यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की बताई गई हो ना, तो आप लोगों ने ये यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्टील की यहाँ पे ही चेंज करनी होती है, वो बाहर जो स्टील है वो स्ट्रक्चरल स्टील है, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने जो है वो ये 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉलम के लिए हम 4KSI और 60KSI यूज करेंगे, तो इसको एज इट इज ओके कर दें। सर जी, सर जी, ये दो दो FY क्यों दिए हुए हैं, एक बेंडिंग शेयर है। मैं बताता हूँ, अभी 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 हम दूसरा करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी हम कंक्रीट पे ही रखेंगे और इसको एड न्यू मटेरियल करेंगे, और यहाँ पे दूसरा नाम हम ऐड करेंगे COMC कंक्रीट 3000, और यहाँ पे FC प्राइम हम कर देंगे 3, और जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या होता है 57000 अंडर रूट एफ सी प्राइम, ठीक है, 57000 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एफ सी प्राइम, ओके, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपको KSI में देगा। और जो एफ सी प्राइम आप लोगों ने पुट करना होता है वो आप लोगों ने PSI में ही करना होता है, वहां पे आप 3000 पुट करोगे, तो ये आपके पास जो निकलेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो होगा 31/22 KSI 3000 PSI कंक्रीट के लिए। तो कंक्रीट के वाले से आपने ये दो चीजें चेंज करनी है। और अगर मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज कह दूं कि आप स्टील जो है वो 50 KSI है, तो वो चीज फिर आप लोगों ने यहाँ पे उस मटेरियल को जब डिफाइन करना है तो वहां पे ही चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे एक आपकी स्ट्रेंथ है बेंडिंग में, ये आपका जो मेन स्टील होता है ना जो अलॉन्ग दी ये जो है वो बताया हुआ है, और जो शियर रीइंफोर्समेंट है वो जो आप टाइज और स्टिरप्स यूज करते हैं ये उसके लिए है। अगर मैं कह दूं कि आपने बेंडिंग में जो है वो जो मेन स्टील डिजाइन करना है वो 60000 का होना चाहिए, लेकिन जो रिंग बनेंगे वो आपके 40 के, तो फिर आपने नीचे 40 करना है और ऊपर 60 करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अभी यहाँ पे 3000 के लिए उसने पहले बताया हुआ है कि हमने जो है वो दोनों में 40KSI स्टील यूज करना है, तो मैं ऊपर भी 40 कर लेता हूँ, नीचे भी 40 कर लेता हूँ, ठीक है, क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारे पास दो कंक्रीट के हो गए हैं। ये वाला जो स्टील है ये वो वाला मटेरियल है जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील के कोई बीम बनाते हैं, स्टील के कॉलम आई सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, कुछ भी, तो ये वो वाला स्टील है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये कंक्रीट के हमने डिफाइन कर लिए, क्लिक ऑन ओके, लेटर ऑन गो टू डिफाइन एंड नाउ विल बी डिफाइनिंग द फ्रेम सेक्शंस, कॉलम और बीम जो है उनके सेक्शन। फ्रेम सेक्शन पे जाना है, ये जो पहले जितने भी सेक्शन डिफाइन हुए होंगे इनको आपने पकड़ के डिलीट कर देना, ताकि आप ब्राउज करो तो आपको ज्यादा डाटा ना मिले। ऐड पे जाएं, ऐड रेक्टेंगुलर पे जाना है, इधर जाके मैं अभी जो है वो
कॉलम डिफाइन कर लेता हूं और मैं लिखता हूं जी सी 14 क्रॉस 14। ओके, सेलेक्ट दी कंक्रीट मटेरियल। कॉलम के लिए हम 4000 psi यूज करेंगे। जी जी ऐड वाइट फ्लेंज किया, ऐड जो किया वो ऐड वाइट फ्लेंज किया, ऐड रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब आपने इधर जो है वो 14, डेप्थ भी 14 है और विड्थ भी आपके पास 14 है इंचेस। ये यूनिट्स का नीचे ख्याल रखना है कि पिंच है, अगर इधर फिट होंगे तो ये 14 फिट और 14 फिट का कॉलम हो जाएगा, ये खास ख्याल रखना है। गो टू सेट मॉडिफायर, मॉडिफायर में जाके जो है वो कॉलम के लिए दो होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस एंड पुट 0.7 इन बोथ ऑफ दीज फील्ड्स। 0.7 हमने यूनिट सर के में रखे थे, तो ये 14 किस तरह हम लिखेंगे सर, ये तो 14 इंचेस नहीं है। तो ये 14 इंचेस ही है ना, मैंने किप इंच रखे हुए हैं, अगर इधर किप फुट होता तो यहाँ पे जो है ये फिर डेप्थ फुटों में चली जाती तो गलत हो जाता। शुरू में हमने किप फीट लिखा था सर, लेकिन उसके बाद नीचे जो है वो ये देखो, तो जब प्लान डिफाइन किया था उसमें मैंने चेंज किए थे, मेन मॉडल के किप इंच में है, ये नीचे कॉर्नर में आप देखो अगर आपको नजर आ रहे हैं तो। क्लिक ऑन ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.7 ये कहां से है? ACI कोड आपको दिया हुआ है 318-14 है या 19 आप यूज कर रहे हो, उस कोड में आप जाके देखो जो है वो कॉलम के सेक्शन में व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड या अफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कॉलम्स, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड रेफरेंस है। अब रीइंफोर्समेंट पे जाओ, कॉलम है, रेक्टेंगुलर है, टाइज है, कवर जो है रीबार सेंटर तक इसको 2 इंच कर दो। ठीक है, और नीचे आपने ऑप्शन और कोई भी चेंज नहीं करना, नीचे रीइंफोर्समेंट टू बी डिजाइंड होना चाहिए। क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे ये आपका कॉलम डिफाइन हो गया। ठीक है, ये वाला अब स्टील में, ये अब कॉलम हो गया डिफाइन। अब फिर दोबारा बीम करना है तो कहाँ पे जाऊँगा, एड रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस पर क्लिक किया, अब बीम का नाम दे दूंगा, बी कितना था जी 12 क्रॉस 20 इंचेस। ठीक है, यहाँ पे मैं कंक्रीट 3000 सेलेक्ट कर लूंगा, डेप्थ है इसकी 20 इंचेस बीम की और जो विड्थ है वो है इसकी 12 इंचेस। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब सेट मॉडिफायर कर लें, टॉर्जनल कांस्टेंट होता है बीम के लिए 0.01, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपके पास 0.35, ये भी जो है वो 0.35 ये आ गया। क्लिक ऑन ओके। अब आपने रीइंफोर्समेंट पे जाना है, अब ये बीम है और बीम का जो है वो कवर आपने कितना देना है 2 इंचेस हो गया। क्लिक ऑन ओके। ओके, ये आपके पास बीम भी डिफाइन हो गए। क्लिक ऑन ओके। मैं अभी मॉडल एक दफा सेव करने लगा, थोड़ा आहिस्ता चलें, आहिस्ता चलूंगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सर ये जो अभी बीम में 2 दफा 2 इंचेस पुट किया, अभी जो पुट किया आपने या एक ही दफा कवर टू रीबार सेंटर 2 दफा बस बस। ये अब आपके पास हो गया, जो मैंने सेव कर लिया है। नाउ अगेन गो टू डिफाइन। अब हम जो है वो स्लैब जो है वो डिफाइन करेंगे, तो आपने जो है वॉल स्लैब डेक सेक्शन पे जाना है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ये स्लैब्स वगैरह ये डिफाइन हुई है, डेक है इसको डिलीट कर दो, प्लैंक को डिलीट कर दो, मुझे स्लैब चाहिए या वॉल चाहिए। फर्ज करो अगर इधर स्लैब नहीं भी है तो कहाँ से जाना है, ये एड न्यू डेक है, एड न्यू स्लैब है, एड न्यू वॉल है, तो मैं एड न्यू स्लैब पे जाऊंगा। एंड न्यू स्लैब पे जाके यहाँ पे स्लैब जो है उसकी थिकनेस दे दूंगा, वो कितनी है जी 7 इंचेस है, यूनिट देख लेने हैं। और इसके लिए भी मटेरियल हम 3000 psi स्लैब के लिए भी यूज करेंगे, तो ये आ गया। मेम्ब्रेन में भी आपने इसकी थिकनेस 7 इंचेस दे देनी है, बेंडिंग में भी आपने इसकी थिकनेस 7 इंचेस दे देनी है, और ये शेली होनी चाहिए
और सेट मॉडिफायर जो है वो मॉडिफायर इसके क्या होंगे, बेंडिंग में 0.25 आपने लेने हैं, बेंडिंग में मेम्ब्रेन में नहीं लेने, 0.25 एंड 0.25। ये आ गया आपके पास, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपके पास स्लैब हो गई है डिफाइन, ये वॉल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये स्लैब इतनी हो गई है आपके पास डिफाइन दी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो ओके कर लेते हैं इसको, फिर मैंने सेव कर ली। नाउ अगेन गो टू स्टैटिक लोड केसेस। अब स्टैटिक लोड केसेस पे जाके जो जो लोड मेरे पास गिवन है मैंने वो वाले केसेस डिफाइन करने हैं। आपको पहले बताया दिस बिल्डिंग इज गोइंग टू बी डिजाइंड अगेंस्ट द ग्रेविटी लोडिंग नॉट फॉर द अर्थक्वेक लोडिंग, सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द मैनुअल टेक्निक एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड ग्रेविटी लोडिंग। ओके, सो एट प्रेजेंट वी आर नॉट गोइंग टू डिजाइन द बिल्डिंग फॉर द अर्थक्वेक लोडिंग और एनी लेटरल लोडिंग विच मे इंक्लूड द विंड लोड और अर्थक्वेक। ओके, so at this time we are only going to design the building using gravity loading, and for this gravity loading we have only self weight and the live load, there is no super dead load. Okay, so we will define only two load cases, one will be the self weight load, okay, and the second one will be the live load case. So let's start. The first one is given dead. Okay, how will identify that whether this one is the self weight or super dead load or any other form? So keep it in mind, a load with the one multiplier, self weight multiplier having one value, that will be a self weight. Okay, jisme bhi jo hai wo jis load case ke samne yahan pe one likha hoga uska weight jo hai software khud calculate karega, wo aap logo ne apply nahi karna. Okay, aur jiske samne zero likha hoga wo wala load jo hai wo aap logo ne khud apply karna hoga. ये मैं ग्रेविटी लोडिंग की बात कर रहा हूँ। अर्थक्वेक लोड जो है वो भी सॉफ्टवेयर खुद अप्लाई करेगा और विंड भी जो है सॉफ्टवेयर खुद अप्लाई करेगा उसके सामने, लेकिन इधर वन नहीं होगा, उसके सामने जीरो जीरो ही होगा। तो अभी तो हमारे केसेस सिंपल हैं, मैं जस्ट इसका नाम इधर डेड जो है वो उसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, SELF सेल्फ। ओके, और यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, तो अब इसका नाम इधर क्या हो गया, सेल्फ, टाइप इसकी डेड है और सेल्फ मल्टीप्लायर इसका वन है। लाइव लोड भी ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर ये डिफाइंड नहीं है तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको एक लोड करके बताता हूँ। ये सेल्फ है, सेल्फ की जगह मैं इधर क्या लिखूंगा, लाइव, लाइव लोड है। ये नाम होता है जो मैं इधर टाइप कर रहा हूँ लोड की जगह पे, ये खुद लिखना होता है। अब इधर से टाइप जो है वो मैं इसकी लाइव सेलेक्ट कर लूंगा और इसका मल्टीप्लायर इधर क्या पुट कर दूंगा, जीरो, और इसको एड न्यू लोड कर दूंगा। तो ये आपके पास एक लोड जो है वो एड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारे ये दो लोड केसेस हैं, इसको दो को ही रखेंगे हम लोग। क्लिक ऑन ओके, ओके हो गया। नाउ नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, लोड कंबिनेशन। जीरो कौन सा था, डेड लोड जीरो था, डेड नहीं जीरो था, डेड तो वो था जो सेल वेट होता है जो बिल्डिंग का खुद जो है वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, जैसे स्लैब का सेल वेट आप जीरो, लाइव वाला था। ओके नाउ अब आप लोगों ने लोड कॉम्बिनेशन पे जाना है, तो हम इसमें जो है वो कौन सा लोड कॉम्बिनेशन आपने मैनुअल यूज किया है वो था 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। तो अब मैं ये वाला इसमें डिफाइन करूंगा, एड न्यू लोड पे जाएं, यहाँ पे आप जो लोड केसेस आप लोगों ने जो है वो डिफाइन किए होंगे ना पीछे, वो इस लिस्ट में आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो कम्बो वन ही मैं रहने दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे पहले मैं स्टैटिक सेल्फ वेट जो है वो वाला लूंगा और इसका स्केल फैक्टर क्या होता है, 1.2, यहाँ पे सॉरी 1.2 इसको ऐड कर दूंगा। और इसके बाद लाइव लोड जो होता है उसका सेल्फ फैक्टर ये कितना होता है फैक्टर, ये 1.6 होता है, और इसको ऐड। तो ये क्या कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया, 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड, इसको ओके कर दें। ये अब आपके पास एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, इसको ओके कर दें, ये आप सेव कर लिया। यहां तक आपका डिफाइन में जो भी काम था वो खत्म हो चुका है। पहले हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफाइन की, फिर हमने फ्रेम सेक्शंस किए डिफाइन, उसके बाद हमने एरिया सेक्शंस डिफाइन किए, एरिया सेक्शंस के बाद हमने जो है वो लोड केसेस को डिफाइन किया, लोड केसेस को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो हमने कॉम्बिनेशंस डिफाइन किए। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्रिएटिंग ज्योमेट्री ऑफ द बिल्डिंग, दैट हाउ विल क्रिएट द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जब भी क्रिएट की जाती है तो कीप इन माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज विल हैव टू डिफाइन द ग्रिड सिस्टम। सो ग्रिड सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, अब इसी ग्रिड सिस्टम के ऊपर हम लोग अपने एलिमेंट्स लगाएंगे। ओके, जो हम लोगों ने डिफाइन किए हैं,
तो जब मैं इधर प्लान में हूं तो प्लान मेरे पास बेशक रूफ हो, कोई भी प्लान हो, ये ऊपर आपको शो हो रहा है, इधर ब्लू लाइन से शो हो रहा है किस टाइम मैं कहां पे खड़ा हूं। ओके, आपने कॉलम लगाने हैं तो इधर वन स्टोरी की बजाय क्या करना है, आपने ऑल स्टोरीज कर देना है। ऑल स्टोरीज सिलेक्ट करने के बाद आपने अब जो है वो यहां पे आना है प्लान में, और प्लान में आके यहां पे आपने क्या करना है, क्रिएट कॉलम्स इन रीजन और एट क्लिक्स, इस आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये विंडो ओपन होगी पॉप आउट, इसमें से आप लोगों ने प्रॉपर्टी के सामने अपना कॉलम चूज कर लेना है, वो कॉलम इसमें शो हो रहा होगा अगर आपने पहले डिफाइन किया हुआ है। तो अब जो जो सेक्शन मैंने उधर डिफाइन किए हुए हैं वो इधर शो हो रहे होंगे। जी सर, कॉलम का दोबारा दिखाएं वो सिंबल। यार ये शो हो रहा है, ये लाइन तीसरे नंबर पे आ जाए वो, ठीक है सर। और ऑल स्टोरीज किया आपने? मैंने ये नीचे से ऑल स्टोरीज किया है। उसका फायदा क्या होगा कि मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो वो सारी लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। मैं अब बॉटम टू टॉप लगाऊंगा कॉलम और लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं ऐसे एक एक करके भी लगा सकता हूँ, और ये मैं ऐसे एक ही दफा भी ऐसे करके लगा लूंगा, ठीक है। तो ये अब आप देखें, अगर 3D में, इधर मैं 3D ओपन कर लेता हूँ तो 3D में आप देखें आपको सारे कॉलम जो है वो लगे हुए नजर आएंगे। ओके, सो अब जो है आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, जब कॉलम सारे के सारे लग गए तो नेक्स्ट हम लोगों ने अब बीम्स लगाने हैं। तो बीम लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास जो है वो ड्रा लाइंस वाला पहला टूल है, इस पे जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑल स्टोरीज ही है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना बीम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, B12x20। ये भी बॉटम टू टॉप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करते जाएंगे तो बीम लगता जाएगा। जब छोड़ना है तो माउस का राइट बटन आप लोगों ने क्लिक करना है तो ये उसको छोड़ देगा, लेकिन कमांड में ही रहेगा। अब फिर जो है वो बॉटम टू टॉप, ठीक है। एक तो जो है वो बीम लगाने की ये कमांड है, दूसरी कमांड जो है वो कौन सी है, वो इसके नीचे है, ये देख रहे हैं दूसरी लाइन जो है वो क्रिएट लाइन इन रीजन आर एट क्लिक्स, इस पर क्लिक करूंगा, इसमें से अपना बीम सेलेक्ट करूंगा। इसमें क्या होगा कि मैंने बस जो लाइन है उस लाइन के ऊपर क्लिक करना है तो वो बीम जो है वो ऑटोमेटिकली पूरी लाइन पे लगा देगा एक ही क्लिक के साथ। और अगर मैं इससे भी फास्ट करना चाहता हूं तो मैं जो है वो सिंपली क्या करूंगा, मैं इनको ऐसे जो है वो सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे के सारे इस तरह लगा देगा। बात समझ आ रही है? मैं ये अभी ऐसे लगा रहा हूं एक एक क्लिक करके। अब मैं दोबारा दूसरी कमांड से अगर लगाना चाहता हूं तो ये मैं पहली कमांड एक्टिवेट करूंगा, इसमें से अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट करूंगा, अगेन बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट, इसमें वो स्नैप खुद ही कर लेगा पॉइंट को। ओके, सो इन दिस वे आई विल बी ड्राइंग माय मेंबर्स। Okay, so I have drawn all the beams. Now you guys will have to, अब एक चीज आप लोग नोटिस करें जो है वो, आप प्लान में जाएं और बेस पे जाएं तो बेस पे भी आपके बीम लग चुके हैं क्योंकि हमने ऑल स्टोरीज किया हुआ था। तो अब इधर से वन स्टोरी करें, वन स्टोरी करके ये सारे के सारे बीम जो है वो विंडो सिलेक्शन से सिलेक्ट करें और इनको डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि कभी भी जो है वो फुटिंग लेवल पे इस तरह बीम जो है वो नहीं लगे होते, ठीक है। फुटिंग बीम और होता है और ये वाला बीम और है, तो फुट ये वाले बीम नहीं लगने चाहिए, यहां से मैंने डिलीट कर दी है। ओके, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब ये नीचे से जितने भी आपके पास, पहले आप ऊपर चले जाएं किसी भी जो है वो फ्लोर पे, अब इस पे मैं आ गया, अगेन ऑल स्टोरीज करें। ऑल स्टोरीज करने के बाद यहां से अब मैं स्लैब लगाऊंगा, तो स्लैब के लिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये तीन ऑप्शन होते हैं स्लैब के लिए। पहला ऑप्शन है ड्रा एरियाज, जिसमें कोई भी इरेगुलर शेप हो तो उसके लिए हम करते हैं, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये स्लैब सेलेक्ट करें, ये मैं स्लैब के चारों कोने जो है वो इसमें सेलेक्ट करूंगा, करने के बाद फिर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये स्लैब असाइन हो गई है, लेकिन आपको अभी शो नहीं हो रही, तो उसके लिए आप इस पर जाएं जो है वो सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिल पे क्लिक करें एंड अप्लाई टू ऑल विंडोज एंड क्लिक ओके, तो अब आपको ये शो भी होनी शुरू हो गई है। मैं दोबारा इस ऑप्शन को यूज करता हूं, जितने भी स्लैब के कॉर्नर हैं जहां जहां पे उसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है आप क्लिक करें, और जब सारे हो जाएं तो एंड पे राइट बटन माउस का क्लिक करें तो स्लैब असाइन हो जाएगी। एक तो ये ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, ये है ड्रा रेक्टेंगल, इस पे क्लिक करें।
यहां से स्लैब को सिलेक्ट करें और इसमें आपने जो है वो डायगनली, मैं पहले पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और डायगनली जो है वो ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पे छोड़ूंगा तो वो साइन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है, इस तरीके से आप लोग जो है वो स्लैब्स को असाइन कर सकते हैं। अब मैं तीसरा ऑप्शन जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। उसमें क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, ये तीसरा ऑप्शन है, दरमियान में आपको एक जो है रेड कलर का बटन क्लिक नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसमें से स्लैब को सिलेक्ट करूंगा और मैं दरमियान में जहां पे लगानी है उस पैनल के दरमियान में जाके क्लिक करूंगा तो ये स्लैब जो है वो ऑटोमेटिकली लगाता जाएगा। एक ये ऑप्शन है, तो इस तरीके से ये सारी स्लैब लग गई। फिर आपने वन स्टोरी करनी है, ये स्लैब जो है वो बेस पे भी लग चुकी है, तो प्लान में आपने बेस पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे वन स्टोरी करके ये सारी स्लैब जो है यहां से डिलीट कर देनी है, ये फुटिंग का लेवल है। ओके, तो ये आपके पास डिलीट हो गई। अब इससे ऊपर जो आपके पास ग्राउंड फ्लोर लेवल है, यहाँ पे आपके पास बीम तो होंगे लेकिन स्लैब्स नहीं होंगी क्योंकि ये प्लिंथ लेवल है और प्लिंथ लेवल पे जस्ट प्लिंथ बीम होते हैं और जो है वो कुछ भी नहीं होता। तो इसमें मैंने प्लिंथ बीम जो है वो और कोई भी डिफाइन नहीं किया, जो ऊपर बीम था मैंने उसी को लगा दिया। वैसे जो प्लिंथ बीम होता है वो आपके पास जो है वो आप सेपरेट, वो छोटा बीम होता है, हैवी बीम नहीं होता, तो क्योंकि वो एट ग्रेड होता है जमीन के ऊपर, मट्टी के ऊपर वो रेस्ट किया होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट कोई भी वजन नहीं आ रहा होता। तो फिर भी अगर आप लोग जो है वो इधर कोई और छोटा सेक्शन भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 9x18 कर लेते ठीक है, या 9x15 कर लेते, 9x12 कर लेते तो वो आपका चल जाता क्योंकि उसमें डिफ्लेक्शन हमारा जो है वो मेन पार्ट नहीं होता। सो बाय नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, जब ये सारी चीजें असाइन हो गई हैं, मैं मॉडल को सेव कर रहा हूं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जब ये काम हो जाता है, अब मैंने नीचे बेस पे जाना। जी जी सर। सर स्लैब जो नजर नहीं आ रही थी वो किस तरह दिखाई है, स्लैब बन गया नजर नहीं आ रही? मैं दिखाता हूँ, अभी मैं नीचे स्पोर्ट्स असाइन करने लगा हूं। मैंने ये विंडो से जो है वो सारे पॉइंट्स जो है वो वन स्टोरी करके सिलेक्ट करने हैं, नीचे वन स्टोरी है तो बेस पे सारे पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए। गो टू असाइन जॉइंट पॉइंट रेस्ट्रेंट्स और यहां पे जाके मैं इसको फिक्स कर देता हूं एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब ये सारी की सारी स्पोर्ट्स जो है वो फिक्स हो चुकी हैं, कॉलम्स जितने भी हैं उनकी नीचे वाली स्पोर्ट्स फिक्स हो चुकी हैं। उसको शो करने के लिए ये है, आपने कहां पे जाना है, ये टिक का निशान आपको नजर आ रहा है, सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शंस, इस पे जाना है, इस पे जाके ये स्पेशल इफेक्ट्स में जाना है। सॉरी, स्पेशल इफेक्ट्स पे जाना है और जहां पे ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट फिल, इसके ऊपर टिक करना है एंड अप्लाई टू ऑल विंडोज करके ओके कर देना है तो सब शो होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने शो नहीं करनी, मैं ऑब्जेक्ट फिल पे क्लिक किया, अप्लाई टू ऑल विंडोज ओके, तो ये सारी की सारी अब चली गई है। मैं इनको शो करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट फिल पे किया अप्लाई टू ऑल विंडोज, अब ये वापस मॉडल में शो होनी शुरू हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, जब यहां तक हो जाए अब हम लोगों ने लोड्स असाइन करने हैं। तो लोड्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे हैं, जितनी जहां जहां पे स्लैब है वहां वहां पे लोड है। तो मैं सारी स्लैब्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, गो टू सिलेक्ट, सिलेक्ट पे जाना है, गो टू वॉल स्लैब डेक सेक्शंस ओके, इस पे जाना है, स्लैब 7 इंच को ओके करना है, तो जितनी भी स्लैब्स लगी हुई हैं सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। बिकॉज वी हैव द सेम लोडिंग फॉर ऑल द मॉडल सो विल सिलेक्ट ऑल द स्लैब्स इन जस्ट वन गो। तो हमने जो सारी सिलेक्ट कर ली है, अब इसके बाद हमने इनके ऊपर लोड असाइन करना है। तो लोड आपके पास क्या था, सेल वेट तो ये खुद कैलकुलेट कर लेगा, हमें नहीं लगाना, सिर्फ लाइव लोड हम लोग लगाएंगे जो कि कितना है 144 pounds per square feet। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से यूनिट इधर से भी चेंज कर लो आप, पाउंड फिट कर लो। ओके, अब आपने जाना है असाइन पे, असाइन पे जाके शेल एरिया लोड्स, और शेल एरिया लोड्स पे जाके आपने यूनिफॉर्म पे क्लिक करना है, और यूनिफॉर्म पे क्लिक करके अब यहां से आपने लोड केस कौन सा सिलेक्ट करना है, लाइव। लाइव जो है सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहां पे लोड अपना देना है। लोड की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 144 pounds per square feet। डायरेक्शन ग्रेविटी रहेगी, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड ऐसे ही रहेगा। तो जस्ट आपने लाइव सिलेक्ट किया, 144 किया और यूनिट आपने देखा ओके, क्लिक ओके। सर ये तो
अब आप सर ये देखें आप कौन से ऑप्शन से खोला है, असाइन से? टिवाना साहब असाइन से जाके खोला है, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट यू वरी ठीक है एट सर। ऑल। ओके, तो अब ये तमाम स्लैब्स के ऊपर आपके पास 144 जो है वो लाइव लोड असाइन हो चुका है, जिस भी आप जो है वो जाओगे लेवल पे। तो जब ये सारे लोड असाइन हो गए, बस एक ही लोड था तो ये असाइन हो चुका है, अब इसके बाद हमने जो है वो बाकी के लोड जो है वो असाइन करने हैं। सॉरी, लोड असाइन होने के बाद नेक्स्ट हम जो अगली जो कमांड्स हैं उनकी तरफ हम प्रोसीड करेंगे कि वो कमांड्स जो है वो कैसे चलेंगी आपके पास। आपने क्या करना है जी, तमाम जो स्लैब्स हैं पहले आल पे क्लिक करना है, सब के सब जो है वो मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है वो आप लोगों ने असाइन पे जाना है, असाइन पे जाके फ्रेम लाइन पे जाना है, फ्रेम लाइन पे जाके एंड लेंथ ऑफसेट्स देने हैं। ये क्यों देने हैं पहले आप देख लो, बाद में मैं अप्लाई करता हूं ताकि आपको जो है वो नजर आ जाए। इधर जो है वो आप एलिवेशन पे चले जाओ, कोई एक एलिवेशन खोल लो, यहाँ पे जो है वो मैं आपको इसकी एक्सट्रूजन दिखाता हूँ, अप्लाई टू ऑल विंडोज, क्लिक ओके। अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, मैं कोई एक जो है वो आप लोगों को कॉलम मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। देखो बीम और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये ओवरलैप नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, पैनल जोन्स होते हैं, तो पैनल जोन पे ओवरलैपिंग नहीं होती, वहां पे या तो कॉलम क्रॉस करता है या बीम क्रॉस करता है। ठीक है, इन नेचुरल एनवायरमेंट व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डिजाइन एनी बिल्डिंग, सो आर प्रेफरेंस इज टू प्रोसीड द कॉलम, ओके वी कट द बीम। तो हमारे पास क्या होगा, जब मैं एंड लेंथ ऑफसेट कमांड अब अप्लाई करता हूं तो फिर देखिएगा क्या होता है। मैंने ऑल सेलेक्ट किए मेंबर्स, गो टू असाइन, फ्रेम लाइन एंड एंड लेंथ ऑफसेट्स। ये एंड लेंथ ऑफसेट्स पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक फ्रॉम कनेक्टिविटी, क्लिक ऑन ओके। ओके, अब आप जब इसको देखोगे तो आपको जो है वो अब नजर आ रहा होगा, अब देखो कॉलम जो है वो ऊपर जा रहा है, बीम्स जो है वो कट गए हैं, ओवरलैपिंग जो है वो खत्म हो गई है। जब ओवरलैपिंग खत्म हो गई है, अब हम नेक्स्ट कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूजन को मैं वापस खत्म कर रहा हूँ, मॉडल को मैं 2D लाइन में ही ले रहा हूँ, हैवी हो जाता है अदरवाइज। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तमाम स्लैब्स को मैश करना है। सो गो टू सिलेक्ट वॉल डेक स्लैब, स्लैब, अब ये अभी स्लैब एक ही पैनल है, एक मेंबर है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं इनके छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगा, जितने ज्यादा एलिमेंट्स बनाऊंगा उतना एक्यूरेट एनालिसिस होगा और उतना लोड जो है वो अच्छे तरीके से बीम्स पे ट्रांसफर होगा। अभी ये एक एलिमेंट है तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, लेकिन जब मैं ज्यादा एलिमेंट्स में डिवाइड करूंगा तो इसकी डिफ्लेक्शन भी अच्छी आएगी और एक्यूरेट बिहेवियर होगा, नियर टू द एक्यूरेसी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसके एलिमेंट्स बनाने हैं, सब नाम ही क्या है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, सब्जेक्ट का नाम भी ये है, सॉफ्टवेयर भी उसी टेक्निक पे बेस करता है। सो फाइनाइट एलिमेंट क्या होता है, वी कट अ पीस इनटू वेरी डिस्क्रीट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सो दैट अवर एनालिसिस कैन बिकम मच मच एक्यूरेट एंड विच इज नियर टू द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द स्ट्रक्चर इन द फिजिकल स्टेट। ओके, तो उसके लिए मैंने तमाम स्लैब को जो है वो सिलेक्ट कर ली है, गो टू असाइन शेल एरिया एंड एरिया ऑब्जेक्ट मैश ऑप्शंस, शेल एरिया एंड एरिया ऑब्जेक्ट मैश ऑप्शंस, इस पे क्लिक करना है। ये फोर्थ ऑप्शन आपने चूज करना है और नीचे जितने भी ऑप्शन हैं इन सबको आपने ऑन कर देना है, और जो चौथा ऑप्शन है इसमें साइज आपने देख लेना है, ये 4 फिट होना चाहिए, नीचे आपके यूनिट अभी पाउंड फिट है और इधर 4 है,
तो ये एक अच्छा साइज है। इससे ज्यादा छोटे एलिमेंट्स करेंगे तो एनालिसिस पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा बड़े करेंगे तो एनालिसिस एक्यूरेट नहीं होगा। ये एक अच्छा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। और नीचे भी ये सब डिवाइड एलिमेंट्स पे कर लें, आपके पास ये भी 4 पे आ जाएंगे। क्लिक ऑन ओके, तो अब ऊपर मैश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि तमाम एलिमेंट्स जो है वो मैश हो चुके हैं। ठीक है, आपको शो करने हैं तो इस पे जाओ, सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शंस पे, और यहाँ पे अदर स्पेशल आइटम्स में देखो ऑटो एरिया मैश लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करके मैं इसको ओके करता हूँ, तो आपको अभी जो है वो नजर आ रहा है कि आपकी स्लैब जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में 4 फिट बाय 4 फिट के एलिमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है वो मैशिंग हो गई है। मैं वापस मैशिंग को ऑफ कर रहा हूं, ओके किया, ओके किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने अगेन स्लैब्स पे जाना है, सिलेक्ट करना है वॉल स्लैब डेक ऑप्शन, और तमाम स्लैब्स को हम जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो असाइन करेंगे, शेल एरिया डायाफ्राम्स। अब ये डायाफ्राम क्या होता है, ये D1 इधर से सिलेक्ट करना है, ओके। तो अब ये डायाफ्राम क्या करता है, बेसिकली ये आपकी जितनी भी स्लैब्स है एक लेवल पे लगी हुई है, इस लेवल पे आपके पास कितनी स्लैब्स हैं, ये 12 स्लैब्स लगी हुई है, 12 पैनल है। तो ये पहले डायाफ्राम लगाने से पहले सारी अलग अलग बिहेव करती हैं अर्थक्वेक के अगेंस्ट, लेकिन जब आप डायाफ्राम असाइन कर देते हैं तो ये सब स्लैब्स को आपस में जो है वो कंबाइंड करके एक सिंगल स्लैब के तौर पे बिहेव करेगा, और जब भी अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट लेटरल लोडिंग के अगेंस्ट ये जो है वो स्लैब्स ये रेजिस्ट करेंगी। तो इसके लिए हम डायाफ्राम वो लगाते हैं, ओके। तो उसके बाद हम जब डायाफ्राम भी लगा लिए, उसके बाद नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, गो टू एनालाइज, सेट एनालिसिस ऑप्शंस, सेट फुल 3D, ओके, अनचेक द डायनामिक एनालिसिस, क्लिक ऑन ओके, अगेन गो टू एनालाइज, चेक मॉडल एंड चेक ऑल द पॉइंट्स इन ऑर्डर टू नो दैट इफ देयर इज एनी एरर, सो दैट विल लेट यू नो, सो चेक ऑल द पॉइंट्स एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ वेट फॉर द मैसेज एंड द मैसेज इज Model has been checked. No warning messages. It means that your model is okay. Okay. So now we'll go to analyze and run analysis. अब हम run analysis पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बिल्डिंग का analysis जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग जो है वो देखना चाहते हो तो मैं इधर 3D ऑन कर लेता हूँ। 3D ऑन करने के बाद अब मैं इसकी बेंडिंग देखना चाहता हूँ कि इसकी बेंडिंग कैसे है। तो ये टॉप पे आपको 3-4 फ्रेम नजर आ रहे हैं, इसमें पहला फ्रेम जो है 1 डिफॉर्म्ड शेप है, दूसरा शो डिफॉर्म्ड शेप है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं अपना ये पहला कॉम्बिनेशन कम्बो 1 सेलेक्ट करूंगा और इसको ओके कर दिया, तो ये मुझे उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगा। ये आपको अब डिफ्लेक्टेड शेप नजर आ रही है, ये उसकी डिफ्लेक्टेड शेप है। अब मैं स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करूंगा तो ये आपको इसका बिहेवियर बताएगा इन अ वेरी एग्जाजरेटेड एंड अग्रेसिव मैनर दैट हाउ द बिल्डिंग विल बेंड एंड हाउ द बिल्डिंग विल शो द डिफॉर्मेशंस अगेंस्ट दिस गिवन लोडिंग एंड वेट फॉर द एनिमेशन। अ वेरी फाइन ट्यून एनिमेशन विल बी रन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द बिल्डिंग, ओके। So as it is very clear from the animation that we have only the gravity loading, that's why only we have the deformations in the up and down direction and the gravity direction. So if there is any of the lateral loading, then you guys will notice that your building will behave very in awkward manner, and you guys will let know that the building will be pushed in x direction or whether in y direction against the lateral loading. So in the direction in which there will be a lateral push, building will be pushed and will be drifted on only that direction, okay. So this is a very simple case, that's why we are having only gravity direction deformations. Now I'm going to stop it. After that, if I'm interested to know the to note down any you know, that bending moment in the beams or in the columns, and if I'm interested to note down the shears, okay, so how I will show you the results. Click on this frame, that will show the undeformed shape. Again, click on this frame. So this is the original shape of the building. Now I will open some elevation.
So go to elevation and I'm going to select elevation 1. So I'm showing this elevation. So this is the frame. After watching on this frame, now go to show member forces or stress diagram. So click on that, go to frame pier or spindle forces, click on that. Now select from here combo 1 and we'll check moment 3-3 shear 2-2. Okay, keep it in mind. जब भी हम जो है वो बेंडिंग मोमेंट जो है वो मेंबर्स में बीम्स में देखेंगे स्लैब्स में देखेंगे किसी में तो मोमेंट हमेशा 3-3 चेक करेंगे और शियर 2-2 चेक करेंगे. ठीक है, यहां पे हम मोमेंट 3-3 हमने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन ओके. सो दिस इज द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट्स व्हिच इज बीइंग शोन टू यू गाइस. अगर आप वैल्यूज चेक करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन भी है इसमें, वापस वहां पे जाएं और नीचे फिल डायग्राम कौन चेक करें और शो वैल्यूज ऑन डायग्राम पे क्लिक करें तो अब ये आपको जो है वो डायग्राम के साथ साथ वैल्यूज भी शो करेगा. आप फिर भी जो है वो नहीं नजर आ रही तो जिस बीम में आप लोग जो है वो देखना चाहते हैं उस बीम के ऊपर आप लोग जो है वो माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और फिर राइट बटन क्लिक करें तो ये उसकी सारी वैल्यूज आप लोगों को शो कर देगा क्या आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल शो मैक्स पे किया हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है आपके पास, आप कि फिट में देखना चाहते हो तो आपको बता देगा कि कितना आ रहा है -116.876 किप फिट. शियर देखना चाहते हो तो वो कितनी बता रहा है -25.06 किप्स. डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो कि इसमें कितनी आ रही है, इंचेस में देखना चाहते हो तो आप इंचेस सेलेक्ट करो तो डिफ्लेक्शन इस बीम में जो मैक्सिमम आ रही है दैट इज 0.652 इंचेस. ओके, क्लिक ऑन डन. इस तरीके से आप रिजल्ट्स देख सकते हो. तो मैं इसको अनडिफॉर्म पे ही शो कर रहा हूं. अब मैं जाऊंगा डिजाइन पे अपने बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए. अगेन गो टू 3D, गो टू डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, सिलेक्ट डिजाइन कंपोज. तो मैं ये दो कंपोज जो इधर आए हुए हैं मैं इनको नहीं देखना चाहता, मैं इनको रिमूव कर रहा हूं. मुझे सिर्फ ये कंपो 1 चाहिए तो मैं इसको ऐड करता हूं. कंपो 1, क्लिक ऑन ओके. अब आप लोगों ने जो है वो अगेन डिजाइन पे जाना है, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन, चेक ऑफ स्ट्रक्चर. मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो आपकी बिल्डिंग जो है वो डिजाइन होना स्टार्ट हो जाएगी. तो सारी बिल्डिंग जो है वो डिजाइन हो चुकी है. अब इसमें मैं जो है वो चेक करना चाहता हूँ, मैं स्लैब्स को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि स्लैब्स जो है वो डिजाइन इसमें नहीं होती. मैंने अपने बीम्स और कॉलम्स का डिजाइन चेक करना है. अगर कोई कॉलम आपको रेड कलर में नजर आए तो इसका मतलब है वो फेल है. मुझे जैसे कि ये अभी एक शो हो रहा है इधर, मैं आपको प्लान में दिखाता हूं या एलिवेशन में. चले एलिवेशन ए ओपन कर लेते हैं, वो छोटा होगा स्क्रीन पे आ जाएगा. ये आ गया, इसमें कोई, ये पिछला जो फ्रेम था इसमें कोई भी आपको जो है वो फेल नहीं है. सारे बीम भी पास हैं और आपके कॉलम भी पास हैं. अब अगला रेड कलर में और ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ओवर स्ट्रेस्ड. ठीक है, इसका मतलब है ये फेल हो गया. अब आगे जाके देखो तो आगे ये वाले सारे कॉलम आपके पास पास शो हो रहे हैं, ये भी सारे के सारे कॉलम आपके पास पास शो हो रहे हैं, ये वाला एक कॉलम आपके पास इधर ओवर स्ट्रेस्ड शो हो रहा है. ओके, उसके बाद आगे एंड वाले फ्रेम पे जाओ तो इसमें भी कोई फेल नहीं है. क्लियर, इस तरीके से आप लोग जो है वो इसके रिजल्ट्स देखते हो. अब ये कॉलम में जो है वो एरिया ऑफ स्टील शो कर रहे हैं स्क्वायर इंच में, लेकिन आप परसेंटेज में देखना चाहते हो कि कितने परसेंट स्टील आ रहा है तो आपने वापस जो है वो डिजाइन पे जाना है, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे जाना है, डिस्प्ले डिजाइन इन्फो पे जाना है. यहां पे जाके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्सिंग की जगह पे रीबार परसेंटेज पे क्लिक करना है. रीबार परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है. तो अब आपको नजर आ रहा है कि इसमें जो है वो आपके पास कितना एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, कितना एरिया ऑफ स्टील जो है वो शो हो रहा है. ये आपको वो सारे का सारा एरिया ऑफ स्टील जो है वो शो कर रहा है. अब आप अगर देखो नेक्स्ट जाओ, इसमें देखो तो आपके पास कितना शो हो रहा है, ये 5%, ये 5.78%. ठीक है, यानी इतना ज्यादा आपके पास जो है वो इसमें स्टील आ रहा है, 5% तक जा रहा है. तो इसका मतलब सिर्फ क्या वजह है कि आपके पास जो कॉलम के साइजेस हैं वो साइजेस छोटे हैं. मैनुअल डिजाइन में वो साइज शायद आपके ओके हो जाए,
लेकिन सॉफ्टवेयर पे आपके पास एक्यूरेट लोड लोड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसमें जो है वो आपके पास जो है वो एरिया स्टिल ज्यादा आ रहा है, आपके सेक्शंस जो है वो छोटे हैं, तो आपको अपने कॉलम के साइजेस जो है वो बड़े करने पड़ेंगे ताकि आपकी बिल्डिंग जो है वो पास आउट हो सके। सो दिस वॉज दी फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस बिल्डिंग। अप टिल नाउ इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डील ऑन। या सो ये फुटिंग के ऊपर जो लोडिंग आ रही है इस बिल्डिंग की, वो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से? सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। काइंडली अगर बता दें इस बिल्डिंग का क्या आ रहा है तो। मैंने मैंने अभी वो वाला जो है वो कंबो इसमें डिफाइन नहीं किया जिसके अगेंस्ट हम करते हैं फुटिंग डिजाइन, लेकिन मैं आपको लोडिंग बता देता हूँ कैसे आ रही है। देखो मैं देखना चाहता हूँ, ये देखो मैं इस कॉलम के नीचे देखना चाहता हूँ कि लोडिंग कितनी है। ये कौन सा कॉलम है? 2B। बात समझ आ रही है? कर्सर मैंने 2B पे रखा हुआ है, तो मैं इस कॉलम के नीचे देखना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो 2 लाइन वाला जो है वो खोलूंगा अपना एलिवेशन, या बी वाला खोलूंगा। तो मैं एलिवेशन पे चला जाता हूँ, बी एलिवेशन पे चला जाता हूँ, तो ये 2B ये वाला कॉलम है, तो मैं ये वाला रिएक्शन जो है वो देखना चाहता हूँ। तो आई विल गो टू शो मेंबर फोर्स और स्ट्रेस डायग्राम एंड क्लिक ऑन सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शंस। तो मैं सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शंस पे जाऊंगा, यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन जो है वो कम्बो 1 वो सिलेक्ट करूंगा और रिएक्शंस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब नीचे आपको ये रिएक्शन नजर आ रहे हैं, अब पढ़ने मुश्किल हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपने? सिंपल, इस पॉइंट पे एक दफा माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करना है, क्रॉस लग गया, वो पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब इसी के ऊपर जाके माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तो आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब जो हमारी 3 डायरेक्शन है वो Z डायरेक्शन है, और यही हमारा जो है वो इसके ऊपर क्या आएगा, वो रिएक्शन आएगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने जो है वो किप जो है वो आ रहा है अपवर्ड रिएक्शन, वो आ रहा है 610 किप, 610 किप जो है वो रिएक्शन आ रहा है। और ये जो 1 और 2 में आ रहा है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है फुटिंग में, और ये 80.154 जो है ये वाई डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। ये 2 मोमेंट्स हैं, MX MY, और ये FZ जो है ये हमारे पास रिएक्शन है 610.874। सो इन दिस वे वी कैन नोट डाउन एनी ऑफ द रिएक्शंस अगेंस्ट एनी कॉम्बिनेशन अगेंस्ट एनी लोड केस। ओके, इज दैट क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप फॉर टुडे। We'll continue the same by tomorrow or a day after tomorrow. Okay, I'll share my schedule with you guys whenever I'll be free. I will be in touch with you guys to continue the rest of the process. ओके सर, चलिए वीडियो अपलोड कर। ओके गाइस, आई विल अपलोड इट।